सीधे लिए चलते महाराजगंज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। न कांग्रेस ने, न सपा ने, न बसपा ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस दौरान सबकी सरकारें रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अब कोई मासूम बच्चा इस मस्तिष्क ज्वर की चपेट में आकर के समय काल कलवित नहीं होगा। कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 3 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, या फिर डबल इंजन की सरकार का कार्य। किसानों की आमदनी को दुगना किया गया, जो किसान सिर झुका के चलता था आज सीना तान करके चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, एक और किसान का सम्मान, युवा को सम्मान, महिला को सुरक्षा, व्यापारी को सुरक्षा और विकास के बड़े बड़े कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी और आईएम का निर्माण, कहीं मेडिकल कॉलेज और एम्स का निर्माण, ये समय से पूरा करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन दिल्ली और प्रदेश से, राजधानी लखनऊ से आने वाला पैसा जमीन पर लग सके और दिख सके, इसके लिए नगर निकायों में भी डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करने वाला एक नया इंजन चाहिए और उस नए इंजन के लिए भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, पैसा भेजेंगे लेकिन अच्छा बोर्ड नहीं बनेगा, बंदर बांट हो जाएगा पैसे का। ऐसे ही बंदरबांट होगा जैसे सपा बसपा कांग्रेस का फेल इंजन विकास के पूरे पैसे में डकैती डाल देता था। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो पैसा भी मिल रहा है। महाराजगंज में लाखों लोगों को आवास मिला है, गरीबों को लाखों लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, लाखों लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए, लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, हर घर को शुद्ध पेयजल की योजना से हर घर नल की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, जब विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं, हमने प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए हैं, 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना से स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, इसमें किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का मत और मजहब नहीं देखा गया, विकास सबका लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं, तुष्टिकरण भी किसी के साथ नहीं। सपा बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टिकरण करते थे, हमने तुष्टिकरण नहीं किया, हमने सशक्तिकरण किया। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अपने समय में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, हमने तमंचा नहीं, हमने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। क्या टैबलेट? हमारे युवा के टैलेंट को आगे बढ़ाने का, उसे टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। सपा बसपा के लोग, सपा बसपा और कांग्रेस के समय में व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, हमने रंगदारी नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ स्ट्रीट वेंडर को, ठेला खोचा रेड़ी लगाने वाले हर व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। सपा बसपा की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय नगर कूड़े के ढेर होते थे,
आज अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय योजना के अंतर्गत आज हमारी सिटी स्वच्छ और सुंदर दिख रहे हैं। उनकी सरकार के समय हमारे नगरों में शोधों का आतंक होता था, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में रहती थी। आज हमारे शहर सुरक्षित हैं, सेफ सिटी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखूं तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला खोमचा छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,135, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765, इन सभी लोगों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5,00,000 रूपये की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 4 नगर पंचायतें परतावल, पनियरा, चौक और ब्रिजमनगंज का सृजन हुआ है और नगर पालिका परिषद महाराजगंज और आनंद नगर की सीमा का विस्तार भी ये राज्य सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, महाराजगंज में अमृत मिशन के अंतर्गत स्टेट सेक्टर से यहाँ पैसा स्वीकृत किया गया है और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 5 नगर निकायों को भी चयन किया गया है। भाइयों बहनों, विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव की हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है। पैसा डबल इंजन की सरकार ही देगी, कोई निर्दल या कोई अन्य दल का जीत के करेगा क्या? तो उसको कुछ कर ही नहीं पाना है। ये विकास का पैसा जमीन पर तब लगेगा जब बोर्ड फुल मेजोरिटी का हो, राज्य सरकार के द्वारा समय पे पैसा वहां पर आए, उस पैसे को समय पे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम हो। अन्यथा भाइयों बहनों, ये त्रिशंकु की तरह जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहेगी। गलत लोग आ गए, पैसे का बंदर बांट करेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा और जनता गंदगी के ढेर में तराई तराई करने के लिए मजबूर होगी। उस प्रकार की कोई गलती नहीं करने की आवश्यकता है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। यहां पर पहले ही सिसवा में चुनाव हो चुके हैं, हमारे सिसवा के विधायक होंगे यहां प्रेम सागर पटेल, हमेशा आगे चलते हैं। उनके यहां पहले हो गया तो अच्छा हुआ कि उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले नहीं कराया, लेकिन उनके यहां सिसवा में पहले वहां की नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। लेकिन अब महाराजगंज जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और नौतनवा में भी नगर पालिका है, बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, 2 नगर पालिकाएं हैं, निस्वाल, सुनौली, सोनाली एकदम बॉर्डर से जुड़ा हुआ, घुगली, फरेंदा, ब्रिजमानगंज, चौक, परतावल, पनियरा, ये नगर पंचायतें हैं। ये नगर पंचायत हम लोगों ने 4 नई स्टेडी गठित की, जिससे लोगों का नगरीय जीवन के साथ संबंध बने और नगरीय जीवन की सुविधाएं लोगों को मिले। ये सुविधाएं देने के लिए किया गया है, इसलिए अच्छा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जिनका विकास में रुचि हो। एक सकारात्मक सहयोग के साथ प्रशासन और शासन के साथ तालमेल बिठा करके जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ सके। आज आप देखते होंगे चौक में जाइए, विकास के कार्य हो रहे हैं, दिखाई देता विकास कुछ हो रहा है। नहीं तो महाराजगंज से चौक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज आप जाएंगे यहां से 10 मिनट में
महाराजगंज मुख्यालय से 10 मिनट में आप चौक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए 1 घंटे में, वहां भी जब गाड़ी के टायर सुरक्षित रहता, इससे पहले भी होता था ना, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार के समय तो हाथी से जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, सड़क पे दो दो फुट गड्ढे रहते थे। लेकिन आज महाराजगंज से 10 मिनट में चौक, और चौक अब ऐसे लगता ही नहीं कि ये चौक जो है कोई गांव हो, आज लगता है कि जैसे ये अभी एक जिला मुख्यालय जैसा ही अच्छा भव्य नगर के रूप में आज चौक बन गया है, बन रहा है। प्रतावल नई नगर पंचायत बनी है, कितनी अच्छी संभावना वहां पर है, 4 लेन के साथ जुड़ रहा है पूरा, और इसलिए नगर पंचायत में चेयरमैन भाजपा का बने। हुगली, ढेर सारी संभावनाएं हुगली में है। एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में हुगली के कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय पैसा नहीं था लेकिन विकास किया जा सकता था, उस समय विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास हुआ था लेकिन सरकारी सहयोग नहीं करती थी। आज तो सरकार कह रही है हम सहयोग देने को तैयार हैं, बोर्ड बनाइए अच्छा, और फुल मेजोरिटी का बोर्ड बना करके मकान गरीबों को मिले, हर घर में शौचालय मिले, सिटी सर्विलांस सिस्टम बने, लोगों को जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, ऑनलाइन नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के अंदर ये सारी सुविधाओं में उपलब्ध हो जाए, कंप्यूटर में फीड किया, अपना सर्टिफिकेट निकाल लिया। अभी मैं आ रहा था, एक सज्जन मुझे बोले देखा हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, अब भी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें भटकना पड़े। हम लोग अपने नगर निकायों को ग्राम पंचायतों का ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्र के लिए उधर उधर न भटकना पड़े, ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत और नगर पालिका के व्यक्ति को नगर पालिका और नगर पंचायत के अंदर से प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध हो जाए और ये ऑनलाइन हो जाए, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उसके लिए अच्छे बोर्ड को गठित करने की आवश्यकता है। टैक्स जमा करना है तो टैक्स जमा करने के लिए हम अपने घर से ही ऑनलाइन उसको जमा कर लें, वहां कार्यालय में लाइन लगाने की जरूरत ही ना आने पाए। सेफ सिटी के रूप में हमारे नगर होने चाहिए, एक जगह से बैठ करके हम सिटी की पूरी व्यवस्था को, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में हमने हर जनपद में ICCC का गठन किया था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक एक व्यक्ति के घर की मॉनिटरिंग हो रही थी, वहां दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, वहां पे टीम जाकर के हालचाल ली कि नहीं ली, राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सफाई हो रही कि नहीं हो रही है, ये सभी हर निकाय नगर निकाय के अंदर हो सकता है। लेकिन उसके लिए उस प्रकार का बोर्ड गठित हो, एक गरीब के लिए मकान के लिए, अब नगर निकाय हो गए हैं तो नगर निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें बहुत आसान है, 3 लाख की वार्षिक आय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उससे कम की आय के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर उसके पास जमीन है, पुराना मकान जर्जर मकान है, तो उसको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा सकते हैं। आप सोचिए ना, अकेले यहाँ पे महाराजगंज में अब तक हम लोग 23 लाख से अधिक, 23,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, हमारे नगर हो स्वच्छ और सुंदर, हमारे नगर हो सुरक्षित। आप देखते होंगे पहले क्या होता था, माफिया सीमा तान करके चलता था, व्यापारी झुक करके, नौजवान पहचान छुपाने के लिए मोहताज था, आज हमने ठीक उसका उल्टा कर दिया है। आज व्यापारी सीना तान करके चलता है और अपराधी सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ घूमे घूमे फिरता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है। सरकार बदलने पर कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन इसी का परिणाम है।
जो युवा पहचान छुपाने के लिए मोहताज था, आज वह युवा गर्व के साथ कह सकता है कि मैं भी महाराजगंज का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं, मैं अपने सभी प्रत्याशियों को यहां पर बुला रहा हूं। आप इनको एक बार देखेंगे और 4 मई को चुनाव होना है। 4 मई को चुनाव के दिन अपने अपने बूथ को संभाल करके, गर्मी रहेगी तो समय पे वोटिंग करा देना, ये तैयारी करना। इसमें श्रीमती उर्मिला देवी नगर पालिका परिषद महाराजगंज, श्री उमेश जायसवाल नगर पालिका परिषद मोतनवा, श्री दुर्गा प्रसाद अग्रहरी नगर पंचायत मिस्तौल, श्री अखिलेश त्रिपाठी नगर पंचायत भुगली, श्रीमती विजय लक्ष्मी जायसवाल नगर पंचायत फरेता, श्री राकेश जायसवाल नगर पंचायत ब्रिजमनगंज, श्रीमती ममता कन्नौजिया नगर पंचायत चौक, श्रीमती सुख लक्ष्मी सिंह नगर पंचायत परतावल, उमेश चंद जायसवाल नगर पंचायत बनेरा, ये सभी प्रत्याशी हैं। देख लिया, इनको चुनाव जिता करके भेजेंगे, पूरे बोर्ड के साथ इनके पार्षद भी जीतने चाहिए साथ में। तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ ला करके समर्थन के साथ मुझे बताएंगे, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, संकल्प के साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।